शुक्रिया पहली बात है। आई थिंक आप सबके लिए, आई डोंट नो बट लाइक मेरे लिए तो मतलब 8-9 महीने हो गए टू रियली कम टू एन इवेंट लाइक दिस। सोशल डिस्टेंसिंग और अपना मास्क पहनना ज़रूरी है, बट फिर भी अच्छा लग रहा है बाहर आने। पैंडेमिक काफ़ी मुश्किल भरा रहा दिन सबके लिए, आपके लिए क्या, आपने कुछ सीखा या कैसा रहा आपके लिए? मुश्किल तो नहीं, आई मीन इट हैज़ बिन टफ, लोगों के लिए मुश्किल था, पर अगेन जैसे आपने कहा देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एवरी नेगेटिव सिचुएशन ऑल्सो। तो मेरी तरफ से आई थिंक पहली बात है अपना अपने घर पे सब कुछ सारे काम करना मैंने अच्छी तरह से सीख लिया और समझ लिया कि और कोई नहीं करेगा, मुझे ही करना है। सो यू नो इट जस्ट बिकेम अ हैबिट एंड आई थिंक इट इज़ समथिंग दैट आई विल टेक फॉरवर्ड। मैंने बहुत चीज़ें की एक्चुअली, स्पेनिश सीखने की कोशिश की, गिटार अपना ज़्यादा प्रैक्टिस किया, फैमिली के साथ टाइम बिताया, मतलब बहुत कुछ किया, बट लाइक बुरा तो नहीं हुआ मेरे लिए। मतलब अपार्ट फ्रॉम नॉट वर्किंग एंड नॉट गोइंग आउट एंड नॉट ट्रैवलिंग एंड वो सब तो चलो दे आर लाइक यू नो मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स, बट अदरवाइज आई वॉज गुड। क्रिसमस एंड न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है तो आपका कोई रेजोल्यूशन है नया साल के लिए, क्या कुछ प्लानिंग है न्यू ईयर? वेल रेजोल्यूशन तो आई थिंक हर साल कुछ ना कुछ होता ही है। दिस ईयर आई थिंक आई वांट टू जस्ट यू नो बी विथ माई सेल्फ, क्लेंज यू नो, बिकॉज चाहे जो भी है काफ़ी हैवी ईयर रहा है आई थिंक सबके लिए दुनिया भर में, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू जस्ट लेट इट गो फ्रॉम योर सिस्टम। और अपनी तरफ से आई थिंक जितना भी आप कॉन्ट्रीब्यूट कर सके अपने एनवायरमेंट में, अपनी सोसाइटी में, अपनी अपने देश में, वो ज़रूरी है। सो आई एम जस्ट गोना प्रॉब्ली हैव अ लो की पीसफुल स्टार्ट टू द न्यू ईयर। वेल देर आर फ्यू प्रोजेक्ट्स देर आर इन टॉक्स, बट आई वुडंट वॉन्ट टू शेयर अनलेस आई स्टार्ट शूटिंग। इट इज़ फॉर वेब एज ऑफ नाउ, या बट आई एम ओपन टू एवरी थिंग, बट बातें तो चलती रहती हैं। जब तक कुछ काम फाइनलाइज ना हो और आप शूटिंग ना करो और अब रिलीज ना हो तब तक बोलना कोई फ़ायदा नहीं है। थैंक यू सो मच।